हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। किती ऍक्टिव आहे रोहन, शाळेत जायला लागला ना म्हणून तर ऍक्टिव झालाय। रोज लँड मध्ये जातो, राहुलला पण तिथेच पाठव। 50 वर्षांची परंपरा आहे, शाळा मध्यवर्ती ठिकाणी आहे, वातावरण चांगलं आहे, भरपूर ऍक्टिव्हिटीज आणि पब्लिक स्पीकिंग शिकवतात। नर्सरी ते 10वी पर्यंत ऍडमिशन सुरू आहेत, आजच जाऊन भेट। मिसेस डी एस खिमानी यांनी साकारलेले रोज लँड इंग्लिश मीडियम हायस्कूल, 238 ख्वाजा मियां रोड, जळगाव। मिसेस डी एस खिमानी यांनी साकारलेले रोज लँड इंग्लिश मीडियम हायस्कूल। जलगांव में बस हादसे में लगभग 15 से 20 यात्रियों के जख्मी होने की खबर आ रही है। रविवार रात 8 बजे के करीब पालधी के पास हुई दुर्घटना में जख्मियों को पालक मंत्री ने अपनी निगरानी में अस्पताल पहुंचाया है। प्राप्त सूचना के अनुसार अकोला से अहमदाबाद जाने वाली गुजरात की एक बस अचानक पालधी के पास पलट गयी। संजोग से उस दौरान वहाँ से जलगांव के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल गुजर रहे थे, जिन्होंने अपना दायित्व निभाते हुए तुरंत जख्मियों की मदद की, जिसमें उनके साथ के पुत्र प्रताप भी शामिल थे। ही गाड़ी अकोल्याहून अहमदाबाद कडे जाणारी गाड़ी होती आणि तिचा ॲक्सिडेंट झाला, ती गाड़ी पलटी झाली। पण खरंच मी माझ्या गावकऱ्यांचं आणि परिसराच्या लोकांचं अभिनंदन करतो की एका मिनिटामध्ये गाड़ी पलट्या झाल्यानंतर सगळे गाव आणि सगळे परिसरातले लोक मदतीला धावले। मलाही माहित होतं, मी पण रस्त्यात होतो, जेव्हा माहित पडलं मी पण 2 मिनिटांमध्ये इथे पोहोचलो। पण देवाची कृपा आहे, कोणाचीही प्राणहानी झाली नाही, सगळे सुरक्षित आहे। सगळ्यांना गावकऱ्यांनी काचा फोडून बाहेर काढलं, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे। म्हणजे ज्याला म्हणता येईल की ही जी मदतकारी आहे, ही म्हणजे माणुसकीला उंच करणारी ही मदत या लोकांनी केलेली आहे। त्यामुळे निश्चितपणाने परमेश्वराचेही आभार मानतो की इथे कोणाची जीवहानी झाली नाही। आणि निश्चितपणाने गाडीचं नुकसान आहे, ठीक आहे, गाडीचं नुकसान हे भरतून निघता येईल, पण माणसाचं नुकसान नाही झालं तर परमेश्वराचे आभार आहे। इस संजोग को लोग मंत्री गिरीश महाजन से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे कार्यों में महाजन साहब आगे हैं और अब इनमें गुलाबराव पाटिल जी भी आगे बढ़ते दिख रहे हैं। ये तो हुई दुर्घटना और मदद की बात, अब बात आखिरकार ऐसे एक्सीडेंट क्यों और कैसे होते हैं। क्योंकि ऐसी बसों और ट्रक्स का ढांचा गलत होता है, लंबाई चौड़ाई सही नहीं होती है, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। गुजरात की गाड़ी थी तो इस बस के कागजात कितने असली और सही हैं, इसे भी देखा जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में जलगांव में एक प्राइवेट ट्रेवल्स की लगभग 20 ऐसी ही बसों को आरटीओ विभाग ने पास कर दिया है। ऐसी बस जिसका व्हील बेस यानी पहिए से ढांचे की दूरी नियम के मुताबिक नहीं है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। ड्राइवर ऐसे बसों को संभाल नहीं पाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब आरटीओ ने ये बस पास कैसे कर दी, इस बात की जब जानकारी लेने का मैंने प्रयास किया तब अनुमान हुआ कि मंत्री और नेताओं के दबाव में एवं चंद लालच की वजह से परिवहन विभाग के अधिकारी भी इस बड़ी और खतरनाक लापरवाही को अंजाम देकर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते रहते हैं। अब आखिर में ये बात दिमाग में भी आती है कि आखिरकार मंत्री जी और नेता जी उस ट्रेवल्स के मालिक की मदद क्यों कर रहे होंगे। तो कुछ उनके और इनके नजदीकी सूत्रों और विपक्ष के मित्रों ने बताया कि जिसकी बस है वो महोदय जेडीसीसी बैंक में सदस्य है एवं वोटिंग के राइट्स हैं इनके पास, और अभी हाल ही में संजय पवार जी को जितवाने के लिए इस साहब की मदद ली गई होगी और इसी मदद के बदले ये सब सहायता की जा रही होगी। सच और झूठ तो कागज की जांच से पता चल ही जाएगा और लोग परिवहन विभाग से जांच की मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इन बसों को गलत तरीके से पास कर दिया गया है तो उसे वापस रद्द कर देना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए जो मासूमों की मौत के लिए ऐसा रास्ता तैयार करते हैं। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। आनंदी ना शोर मचे, खूब बिजली बचे, ना मुश्किल सफाई होले होले चले, आनंदी आटा चक्की, फर्क तो दिखेगा। आनंदी।